देर रात दुकानों में अचानक लगी आग, लाखों की क्षति। सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार स्थित अति व्यस्तम स्टेशन रोड में अचानक एक दुकान में देर रात को आग लग जाने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी भयानक थी कि जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक तीन दुकान उसके चपेट में आ गई। खास बात यह थी कि एक दुकान में करीब दर्जन भर गैस सिलेंडर रखे हुए थे जो आग के कारण बारी बारी से फटते चले गए। गनीमत थी कि इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि बाद में दमकल की गाड़ियां आईं और लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। इस आग लगी में कपड़ा, झाड़ू और कोजी स्वीट कॉर्नर का गोदाम, करीब तीन दुकान सहित उसमें रखे सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि इसमें करीब 7 लाख के सामान जलकर खाक हुआ है। सुपौल बिहार से नज़ीर आलम के साथ आजाद की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक। का नाम क्या है? बोलो। नीतीश कुमार। कार्तिक कुमार। आपका दुकान था? कपड़ा दुकान। कपड़ा दुकान। और बस। क्या दुकान चला? तीन दुकान। कौन कौन सा? दो कपड़ा का, एक झाड़ू का। किस चीज़ से? गैस सिलेंडर। 1 बजे के करीब में? जी 1 बजे के करीब में लगा जी। इसमें जलने की क्या क्या सामग्री? बस जला, बस कैठो दुकान जला। यहाँ पर दो था, कपड़ा वाला जी, झाड़ू का था जी। और कोजी स्वीट कॉर्नर का, इसके पीछे इसका कारखाना था, मिठाई था, समोसा था। आग लगने का कारण किस चीज़ का ये बता नहीं पाएंगे कि आग लगने का कौन सा कारण। सिलेंडर कितना है? सिलेंडर लगभग 23 है एग्जैक्ट, मैंने गिना अभी। फटा कितना है? और 15 फटा है जी। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। ठीक है।